नागिन एक ऐसा टीवी सीरियल है जिसके हर सीजन में नागिने सिर्फ अपने बदले ही लेती रहती है और फिर भी इनके बदले कभी पूरे नहीं होते। इन नागिनों की साइज देखकर तो बेचारे असली सांपों का भी नागिन डांस निकल जाता होगा। अगर आप अचानक से इस सीरियल को देखोगे तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि आप सीरियल देख रहे हो या एनिमल प्लेनेट पर जानवरों को, क्योंकि इस सीरियल में भी कई सारे जानवर भर रखे हैं, जैसे इच्छाधारी नाग, इच्छाधारी चील, इच्छाधारी मोर, इच्छाधारी नेवला। तो चलिए इस सीरियल को समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। अंधेरी रात में दो सांप आराम से आशिकी कर रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं एक बंदा कहां से आकर इच्छाधारी नाग को डंडे से मार देता है। पता नहीं भगवान इन नाग नागिनों को इतनी शक्तियां क्यों देते हैं। मतलब एक तो बंदा मार पाते हैं नहीं, ऊपर से डंडों से मार अलग खा लेते हैं। इस शो की नागिने इतने खतरनाक तरीके से अपने बदले लेती है कि आप सब तो सोच भी नहीं सकते। एग्जाम्पल के लिए यही देख लो, एक इच्छाधारी चील तलवार से इच्छाधारी नाग को मार देती है और ये सब देखकर नागिन को गुस्सा आ जाता है और वो उस इच्छाधारी चील को डस लेती है और खाई में फेंक देती है। तुझे इस जन्म तो क्या, हर जन्म में सिर्फ मौत दूंगी, मैं हजार मौत दूंगी तुझे। कुछ भी। लेकिन शो का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आता है। नागिन लाशों का ढेर देखकर और इस तन्हाई से परेशान होकर खुद को भी मार देती है। इन नागिनों की हरकतें जानने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन्हें अपने घर में रख लेते हैं। फिर होता क्या है, ये नागिनें उस घर में रहने के लिए एक दूसरे से लड़ रही होती है। तुम इस मामले में दखल ना दो तो अच्छा है, क्योंकि ये घर मेरा है, ये घर सबका है, सबका हक है इस घर पे। और पाल लो इन नागिनों को, नहीं यही होना चाहिए तुम्हारे साथ में तो। और इन लोगों का इससे भी पेट नहीं भरा तो इन्होंने अपने घर में चुड़ैल ही रख ली। सोचो अगर अंधेरी रात में आपने इस घर की चुड़ैलों को ऐसे उड़ते हुए देख लिया तो क्या होगा। आप लोगों का तो पता नहीं, पर मुझे तो अटैक ही आ जाएगा। जामिनी हल्दी के ऊपर से चल के गई, फिर भी जमीन पे इसके पैरों के निशान नहीं बने, ये कैसे हो सकता है। अरे पागल औरत, ये चुड़ैल है, उड़ने वाली चुड़ैल, अगर ये हल्दी के ऊपर से उड़कर जाएगी तो पांव के निशान कैसे आएंगे। कैसी हो बहु रानी, तुझे क्या लगा था कि मैं अपने बेटे पे हमला नहीं कर सकती। बेटा? हाँ बेटा, जय और वीरांशु दोनों मेरे ही बेटे हैं। मतलब ये सांप और चील दोनों भाई भाई हैं, और ये जो औरत है जिसके चेहरे पर जंग लगा हुआ है या फिर चेहरा दिन और रात में बदल गया है, वो इस सांप और चील की माँ हुई। मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरी माँ झूठ नहीं बोलती। लेकिन कुछ भी कहो, ये इच्छाधारी चील डांस बहुत अच्छा करता है। नहीं मतलब कोई तो ऐसा डांसर है जो डांस में चंपक चाचा को टक्कर दे सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना।